आज का टॉपिक है कि पेटेंट क्या है बेसिकली पेटेंट जो है ना जब आपने प्रोडक्ट हंट कर लेनी है ना उसका पेटेंट जरूर चेक करवाना है ये आप ना माइक जो है ना जिनके भी ऑन है ऑफ कर लें प्रॉपर वे से स्टार्ट करें शहजाद का भी माइक ऑन एंड असरा का माइक ऑन है चलें जी पेटेंट जो है ना बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है और ये हमने जब आपने प्रोडक्ट हंट कर लेनी है ना हंट करने के बाद हमने उसकी सोर्सिंग करने से पहले पेटेंट चेक करवाना होता है क्योंकि पेटेंट चेक करवाना बहुत जरूरी होता है कि अगर हम इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ पी में चलना होता है और लेट सी कि हम सोर्सिंग करवा दें चाइना से और वो प्रोडक्ट का अगर पेटेंट इशू आ गया तो वो सारी इन्वेंट्री हमारी ज़ाया होगी सो डेट्स वाई करके हमने पेटेंट चेक करवाना होता है पेटेंट बेसिकली ये होता है कि हम एक तरह से हम, हमें ना प्रिवेंशन मिल जाती है अपनी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कि जो प्रोडक्ट हम जिसकी सोर्सिंग करवा रहे हैं ना उसमें किसी किस्म का खतरा नहीं है बेसिकली पेटेंट इज द प्रिवेंशन टूल फॉर योर प्रोडक्ट यू हैव द यू हैव ऑफिशियल लीगल राइट टू सेल एंड इन्वेंशन फॉर अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ द ईयर आप Uh, आपको एक प्रिवेंशन मिल जाती है आप वो प्रोडक्ट जो है ना वो इजीली उसकी लॉन्चिंग कर सकते हैं पेटेंट जो है ना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये आपने ये पेटेंट चेकर जो है ना ये अलहदा से सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं ये उन्होंने चेक करना होता है कि पेटेंट आयदर इसका पेटेंट कोई इशू तो नहीं है एवरी पेटेंट एज अ वैलिड फॉर ट्वेंटी ईयर्स बीस साल तक जो है ना इसका होता है और बीस साल के अंदर ये एक्सपायर हो जाता है वेरी करता है इसकी टू टाइप्स हैं और उनके ईयर्स वेरी करते हैं बाकी यह है कि देखिए पेटेंट जो है ना वो चेक करवाना बहुत कंपल्सरी होता है आ, ये लास्ट टाइम जो हमने सर्विस ली है पेटेंट की अपने क्लाइंट्स के लिए वो थर्टी आई थिंक से उनके चार्जेस थर्टीन डॉलर थे राइट right ना उनके चार्जेस में भी हाई हो गए हों विद पैसेज ऑफ टाइम फ्लक्चुएट करते रहते हैं चार्जेस तो आप चेक कर लीजिएगा अदर देन डायट इसके चार्जेस जो है ना थर्टीन से ऑनवर्ड ट्वेंटी डॉलर होते हैं और ये पेटेंट अगर किसी ने अपने क्लाइंट के लिए चेक करवाना हुआ तो वो मुझे बता सकता है बिकॉज मेरे पास एक अथेंटिक पर्सन है फॉम फाइवर और फाइवर से जिनसे हमने अपने क्लाइंट्स के लिए थ्रू आउट सर्विस ली है उनका नाम अनिल है और काफ़ी एक्सपर्ट हैं वो पेटेंट चेकर हैं इस टाइम पे वो फाइवर पे ये गिग बना के उनकी गिग बहुत अच्छी जा रही है इनकी सर्विस सबसे अच्छी है तो वो हमें कंप्लीट वे से गाइड कर देती हैं कि पेटेंट क्या है और पेटेंट किस टाइप का है अच्छा पेटेंट की भी टाइप्स हैं टू टाइप्स हैं इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल यूटेलिटी पेटेंट और ये ट्वेंटी ईयर तक वैलिड होता है यूटैलिटी पेटेंट यूटिलाइजेशन के रिगार्डिंग होता है लाइक मिसाल के तौर पर किसी प्रोडक्ट अप्रॉक्सीमेटली नाइनटी परसेंट ऑफ यूटेलिटी पेटेंट आर रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ यूटेलिटी पेटेंट स्पेसिफिक नॉट जनरल अब देखिए मिसाल के तौर पर Uh, एक एग्जाम्पल उन्होंने इंकोड की हुई है दिस दिसलाइज़र फंक्शनैलिटी एंड ऑपरेटिंग प्रोसेस टू किल एंड स्टेडलाइजर ये वाला स्टेडलाइजर जो है इसमें क्या है कि मिल्क बॉटल जो है ना उसकी जर्म्स को रिमूव किया जाता है और उसको इसके अंदर रख के तो यानी कि जर्म्स को रिमूव करने के लिए इस स्टेरलाइजर को यूज़ किया जाता है अब लेट्स सी कि ये स्टेडलाइज़र मैं यानी कि अगर अमेजोन पे लॉन्च करूँ तो मैं इसका स्पेसिफिक यूज़ बता दूँ कि ये जो है इसकी फंक्शनैलिटी इस इस प्रोडक्ट की ये है और ये यानी कि जर्म्स को किल करने के लिए ये यूज होगा सो so, इस तरह की प्रोडक्ट फिर कोई और लॉन्च नहीं करेगा सो वांस यूटेलिटी पेटेंट अप्रूव नो वन कैन क्लेम दिस फंक्शनैलिटी विद देयर प्रोडक्ट्स सो यूटेलिटी पेटेंट क्लेम हैज टू बी वेरी यूनिक इन ऑर्डर टू गेट पेटेंट अप्रूव्ड सो सेकेंड थिंग है डिज़ाइन पेटेंट वो हो गया यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का यूज़ क्या है उसके अकॉर्डिंग जो पेटेंट है ना वो होता है यूटिलाइजेशन uh, वाला और यूटिलिटी पेटेंट जिसको कहते हैं ये डिज़ाइन पेटेंट क्या है डिज़ाइन पेटेंट जो है ना वो अपे फिजिकल अपेयरेंस पे डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट की फिजिकल अपेरेंस कैसी है ये स्पेसिफिक मैं इस एग्जांपल के थ्रू आपको इंकोड करूँगी नाइनटी परसेंट डिज़ाइन पेटर्न यूली अप्रूव्ड हो जाते हैं डिज़ाइन पेटेंट इसलिए अप्रूव हो जाते हैं कि लेट्सी अगर किसी ने डिज़ाइन के साथ इस डिज़ाइन के साथ किया है पीछे पेटेंट चेक करवाया है रजिस्टर्ड करवाया हुआ अमेजोन के साथ कि इस डिज़ाइन के साथ कोई भी अमेजोन पे प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकता तो मैं अगर इसी डिज़ाइन के साथ चलना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी इसका थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज कर लूँगी ठीक है और उसका फ़ायदा ये होगा थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करने से मैं इस तरह की प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती हूँ सो डैट्स वाई उन्होंने कहा कि नाइन्टी परसेंट हैं कि हम डिज़ाइन पेटेंट वाली प्रोडक्ट के साथ चल सकें तो डिज़ाइन पेटेंट वाली प्रोडक्ट के साथ आप वाकई ही चल सकते हैं अगर पीछे डिज़ाइन पेटेंट रजिस्टर आ जाए ना तो आप इसके साथ चल सकते हैं ये आपको पेटेंट चेक कर कम्प्लीट वे से गाइड करते हैं कि आइधर आपके आप इसके साथ चल सकेंगे कि नहीं इट्स आल फॉर एग्जांपल डिफरेंट कार मैन्युफैक्चरर हैज डिज़ाइन पेटेंट्स सो नो वन कैन कॉपी देअर डिजाइन टू कीप यूनिकनेस ऑफ देअर डिज़ाइन अगर हम इसी डिज़ाइन के साथ चलना ये कार अगर लेट्स सी मुझे पसंद है आ, मैं इसी आ, कार के डिज़ाइन के साथ चलना चाहती हूँ तो इस पर थोड़ी सी मुझे यूनिकनेस ऐड करनी पड़ेगी देन मैं इसको कर सकती हूँ यानी इसको अमेजोन पे लॉन्च कर सकती हूँ ट्रेडमार्क की बात कर लेते हैं ट्रेडमार्क जो है ना बेसिकली यही है कि पेटेंट भी डिज़ाइन और यूटिलिटी के अकॉर्डिंग है बट ट्रेडमार्क का ये होता है कि लोगो पीछे या सेम्बल अपनी प्रोडक्ट के आइडेंटिफिकेशन के लिए जो आपने मार्क यूज़ किया होता है ना जिसको लोगो कहते हैं वो पीछे रजिस्टर करवा लिया होता है सो so, ट्रेडमार्क जो है वो बेसिकली हमने ट्रेडमार्क एज अ न्यू सेलर हम नहीं कर सकते ये हमें एट टू नाइन मंथ लग जाते हैं ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाते और अगर किसी ने लोगो रजिस्टर करवाया हो ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया हो अपना तो उस प्रोडक्ट के साथ भी हमारा कंपीट करना या चलना पॉसिबल नहीं होता फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वॉन्ट टोमी टिपी प्रोडक्ट हाउ यू विल फाइंड इन हंड्रेड प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली विल फाइंड बाइट्स लोगो ठीक है जिसको ट्रेडमार्क कहते हैं अभी इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स ये पड़ी होंगी तो मैं अपनी प्रोडक्ट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकूंगी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस के लोगो जो मैंने यूज़ किया होगा ठीक है और अगर मैं अपनी प्रोडक्ट को इसी डिज़ाइन में भी सेल आउट करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी इस पर थोड़ी सी यूनिकनेस ऐड करूंगी लाइक ये देखें इस ये ज़्यादा अंदर को पिंच था ये प्रोडक्ट और ये कम है ठीक है अभी मैंने क्या किया है इन दोनों का अगर लेट्स पोज के मैं इन दोनों को कॉपी करके मैंने एग्जैक्ट कॉपी नहीं किया मैंने इन दोनों का मिक्सचर लेके डिज़ाइन अपने मुताबिक अरेंज किया और उसका लोगो ये वाला गाया जो कि दोनों से डिफरेंट था और सो डैट्स व मेरे प्रोडक्ट में यूनिकनेस ऐड हो गई After getting the approval of product you can check patent by yourself or hire a person from fiber it's up to you ये local भी आपको मिल जाते हैं no worry about that कि आपको Facebook पे आप write करेंगे किसी भी service के regarding photographer आपको चाहिए यहाँ patent check कर चाहिए तो आप group में जा write करेंगे लाइक एनी पेटेंट चेकर है और या आपको सर्विस uh, चाहिए उसकी तो वो आपको डेफिनेटली इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या बहुत ज़्यादा आवाम जो है ना ये हर तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रही है देर आर सम पेटेंट उन्होंने बता भी दिए हैं जी गूगल के गूगल पे आप फ्री सोर्स है इस लिंक के थ्रू आप वहाँ से भी कर सकते हैं और लेकिन फ़ी इतना इफेक्टिव नहीं होता रेकमेंड यही है कि आप किसी पेटेंट चेकर से करवाएं क्योंकि देखिए थर्टीन या ट्वेंटी डॉलर को आप सेव करते हुए पीछे हजारों की इन्वेंट्री लॉस में चली जाएगी तो हम ये रेकमेंड करते हैं कि आप किसी फाइबर से ही ये सर्विस लें तो वो बेस्ट है उसके बाद उन्होंने कहा है जी यूएसए में अगर पेटेंट चेक करना है एक सेकेंड और फ्री सोर्सेज बताए हुए यूएस में करना है तो इस लिंक के थ्रू करें और इसके अलावा फाइवर का उन्होंने लिंक दिया हुआ है अदर देन डाइट अगर आपको यहाँ से इससे भी आप ले सकते हैं मे बी इसकी रेटिंग अच्छी हो इस तरह से लेकिन अदर देन डैट आप अगर करवाना हुआ तो आ, आ, आप अपने तौर पर भी देखिएगा फाइवर पर आइड करके पेटेंट चेक कर तो आपको बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी गिग्स पे सर्विस प्रोवाइडर मिलेंगे उनसे आप रहा कर सकते हैं और उनसे आप चेक करवा सकते हैं ये जस्ट ओवर व्यू मैंने प्रोवाइड किया जब आपने प्रोडक्ट हंट कर लेनी है बहुत अच्छी प्रोडक्ट होगी ना तो यहाँ पे ये कन्फ्लिक्स आपकी दूर करती जाऊँ ये कन्फर्म करें आवाज़ क्लियर है सबको

अच्छा इस तरह से है कि इस बारे में आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि अब पेटेंट वाला इशू नया ही आ गया जी प्रोडक्ट इतनी मेहनत से हंड करो फिर पेटेंट चेक करवाओ उसका आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है पेटेंट के लिए देखिए आपने प्रोडक्ट हंट करनी है उसको सेल आउट कर देना है ठीक है अभी पेटेंट जो है ना ये क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई क्लाइंट आपसे पेटेंट की बात नहीं करेगा डेफिनेटली ये अपनी लक की बात होती है मे बी वो आपसे 200 या 150 डॉलर की प्रोडक्ट बाय करे और आगे जाके उसको पेटेंट का इश्यू आ जाए दोबारा से वो हंट करवाएगा आपसे दोबारा से वो चार्ज करेगा आपको ठीक है ये क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेटेंट चेक करवाना वो आपकी नहीं है अदर देन डेट अगर कोई परमानेंट क्लाइंट है उसके लिए आपने प्रोडक्ट हंट कर लिया है और पेटेंट वही चेक करवाएगा अदर देन डैट सेकेंड सू ये है कि अगर वो आपका परमानेंट क्लाइंट है फिर सेकेंड टाइप अगर खुदा न खासा ये पेटेंट आ गया कोई इश्यू तो देन आप दोबारा हंट करेंगे लेकिन उससे चार्जेस फिजिबिलिटी रख लें आप क्योंकि वो आपका परमानेंट क्लाइंट है डेफिनेटली वी को कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ता है तो आप लाइट सी के पहले आपने डेढ़ सौ डॉलर की प्रोडक्ट बाय की उसको की थी परचेज की थी आप उसको यानी कि हंड्रेड डॉलर या एटी डॉलर कर लें इतनी फिजिबिलिटी आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं ये बताने का मकसद ये था कि पेटेंट के लिए जो है ना बिल्कुल भी वरी नहीं होना ये क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आपकी नहीं है नेक्स्ट uh, हम देखते हैं आज का टॉपिक जो कि यहाँ तक प्रोडक्ट हंटिंग क्लोज एंड मूव मैम मुझे ना ट्रेड मार्क कुछ समझ नहीं आया दोबारा थोड़ा सा गाइड कर uh, ट्रेड मार्क का आपको समझ नहीं आया जी जी ओवरव्यू तो दे ठीक है ठीक है मैं आपको बता देती हूँ देखिए ये हमने बताया ना कि ये पेटेंट डिजाइन के अकॉर्डिंग है लेकिन ये उन्होंने लोगों के अकॉर्डिंग है कि लोगो पीछे समटाइम किसी न किसी ने रजिस्टर करवाया होता है लेट सपोज कि हम किसी का लोगो स्टील नहीं कर सकते चुरा नहीं सकते किसी का लोगो उठा के अपनी प्रोडक्ट पे लगा नहीं सकते क्योंकि वो उन्होंने ट्रेडमार्क पीछे रजिस्टर करवाया हुआ है तो हमने जब भी किसी प्रोडक्ट पे लोगो लगाना है वो अपने अकॉर्डिंग लगाना है एक नया हट के लोगो न्यू लोगो लगाना है हमने किसी का लोगो उठा के नहीं लगाना सेकेंड थिंग ब्रांड भी किसी का हम स्टील नहीं कर सकते अमेजोन पे कितने ब्रांड्स हैं अगर हम एज अमेजोन पे ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं तो हम किसी के ब्रांड को कॉपी नहीं कर सकते किसी का ब्रांड उठा के अपनी प्रोडक्ट को अ, 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 खुद ब्रांड जो है वो वही वाला ब्रांड के नेम से अपनी प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते हमें एक नया ब्रांड जो है ना नया नेम के साथ नए नेम के साथ हमें चलना पड़ेगा बताने का वाक ओके जी अस्सलाम वालेकुम मैम वैलेकुम सलाम अच्छा क्वेरी क्वेरी है ना आपकी अवकाश क्वेरीज जो है ना वो लास्ट पे कर लेंगे टाइम दिया जाएगा आपको राइट नाउ आई थिंक सो कि इसको स्मूथली चलने दें ताकि हम ना इसको कवर कर लें लास्ट पे आपको डेफिनेटली टाइम दिया जाएगा ओके मैम अ हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो के